तो जैसा कि आपने देखा कि कल 2 बजे रात तक हमने स्क्रिप्ट लिखी, हमारी नींद चैन सुकून सब गवा के, पर फिर भी हमारी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हो पाई और अभी सुबह हम उठे हैं 8:20 पर। दोस्तों व्लॉग एडिट कर लिया है, थंबनेल का इंतजार है, अपलोड करना है, 10:30 बज गया है और आज इतनी आलस फील हो रही है। सुबह सुबह जिम चल जाओ ना तो एटलीस्ट सब धड़ 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 काम पे लग जाती जिंदगी, अब तो आलस लग रही है मेरी। थोड़ी सी स्क्रिप्ट और बची है अभी ख़त्म करके फिर शूट करना है कल तो, क्योंकि वीडियो डालनी है नहीं, आऊँ भगवान बस ये वीडियो चल जाए, वरना ये रात में जागना, ये मेहनत पसरी सब खराब हो जाएगा। पर ठीक है यार, काम तो कर सकते हैं ना, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो कर्म तो करेंगे। और दोस्तों ये जो यहाँ पे बैठ के जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा ऐसा डल सी दिखती होगी मेरी स्किन, क्योंकि ये पीछे ऑरेंज है ना, इसकी वजह से दिखती है। बाकी तुमने धूप में तो देखा ये चमकते ही अपन है कि नहीं। फिर ऐसे ही खुद की झूठी तारीफ करते करते व्लॉग हमने अपलोड पे लगा दिया और अपलोड करते करते आज काफी लेट हो गया, 11 हो गया। सॉरी दोस्तों, माफी चाहूंगा लेट होने के लिए, मैं सुधर जाऊंगा। 12:30 बज रहा है दोस्तों, स्क्रिप्ट लिखते लिखते टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, और स्क्रिप्ट लिखने में माता पच्ची इतनी होती कि सर दुखने लग जाता है, तो अभी भूख लगने लग गई, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। बाप रे 12:30 बज गया, बीमार ना हो जाओ ऐसे चलता रहा तो मैं। ऐसे जिस दिन स्क्रिप्ट लिखाती हूँ उस दिन ऐसे ही कुछ होता है। बाकी देखते हैं पापा कुछ बना रहे हैं या नहीं, या फिर बाहर जाके खाते हैं, तो मम्मी है नहीं ना, पर बाहर तो ऑलरेडी खाना बन रहा था। दोस्तों दाल बन रही है, पापा ने दाल बना ली है, मम्मी आ रही है बाटी लेके गांव से, और आज हम दाल बाटी खाएंगे। और फिर मैंने अपना दिल का दुख आप लोगों को सुनाया। ये मेरे मम्मी पापा मुझे बताते नहीं है जब ये लोग कहीं से आते हैं कि मैं लेने जाऊंगा, मेरे को बड़ी बुरी लगती है। और ये चीज अभी मम्मी आएंगी फिर उन्हें बोलूंगा कि बताया क्यों नहीं, ये आ ही चुकी है, मतलब थोड़ा सा पैदल रास्ता बचा, मैंने सोचा था बता देंगे तो मैं लेने चला जाऊंगा। पैदल आ रही है ये, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी पापा ने क्यों लेट सोया था, तो आज जिम नहीं जा रहा, शाम को जाएगा। तो मैं तो घर पे ही था ना, मुझे बता देती मैं आता लेने। अब मैंने सोची कि अब क्या वो कुछ काम कर रहा होगा। ठीक है फिर बता दिया करो भैया। Okay. मैं जा रहा था समोसा विद छोले का नाश्ता करने। दोस्तों जब ज्यादा भूख लगती है ना तो फिर कुछ चटपटा खाने का मन करता है। अब तुम बोलोगे तू तो है ही चट्टा, दिन भर तो खाता रहता है हर कुछ हर कुछ है गधे, पर मैं हूँ चट्टा, मैं क्या करूँ दोस्तों, प्राउड चट्टा है। लो मम्मी चला। तुम तो मेरे बारे में सोचती नहीं हो कि मुझे फोन करके बता दो, मैं तो सोचता हूँ ना तुम्हारे बारे में। तुम मुझे बताती ना मैं आता तुम्हें लेने, मैट है मैट तुम्हारी खरीद लाए। हाँ और क्या, पड़ी थोड़ी मिलेगी। ठीक है तू मैट लाए? नहीं अच्छी है बढ़िया, मैट तो ऐसी चीज है कभी भी काम आ जाएगी। ते पापा बता दे मैट ये पापा मैट रखी है। पापा के पास सब रखा होता है पूरी दुनिया का सामान। हाँ। तो 2:45 हो रहा है और अभी जाके स्क्रिप्ट खत्म हुई है, शूट करते करते अपन को 3:30 या 4 बज जाएगा। अभी खाना भी नहीं खाया, एक समोसे पे जिंदा हूँ बस मैं, खराब आदमी हूँ भाई, खाना पीना खाना चाहिए मुझे, तभी तो बॉडी बनेगी। सिर्फ जिम जाने से क्या होता है, मजदूर हूँ क्या मैं? ठीक है तो अभी फिर वीडियो बनाते हैं फिर खाना खाते हैं, या तो फिर खाना खाते हैं फिर वीडियो बनाते हैं, पहले खाना खाएंगे। और मेरे से क्या बोल रही हो, रात में नहीं सोया, तुम मुझे बताओ तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? बताओ बताओ कोई जवाब है तुम्हारे पास? तो पापा कह रहे थे वो कुछ कर रहा था। कुछ नहीं कर रहा था मैं तो सोच रहा था मम्मी जब आएंगी तो फोन करेंगे, मम्मी जब आएंगी फोन करेंगी, उधर गया। पापा कह रहे वो तो उतर गए दुर्गा मंदिर, मैंने बोला तुम दोनों खराब लोग हो भाई, बताते नहीं हो क्यों, इतनी तारीफ करता हूँ मैं तुम्हारी व्लॉग में, तुम ऐसे करती हो। है ना वहां जाकर बैठा रहता, वहां से लगता बैठे उतरे ऑटो में बैठ के यहां आ गए। दोस्तों नहा धो के तैयार हो गए हम और अभी टाइम हो रहा है 4:20, टाइम कहाँ जा रहा पता ही नहीं चल पा रहा, और जैसे ही मैंने कैमरा चालू किया उसमें बैटरी नहीं है दोबारा, मैं क्या पता क्यों पहले से चार्ज करके नहीं रखता हूँ। किस्मत खराब नहीं होती दोस्तों, इंसान खराब होते हैं, अपने कर्म है ना जो वही खराब है, पहले से चार्ज करके रखना चाहिए। तो किस्मत तो बाकी बहुत अच्छी है, अभी लगा दिया है चार्ज पे और अब 5 मिनट में चार्ज हो जाएगा, जब तक सेटअप जमा लेते हैं फिर शूट कर लेंगे। 14% तो थी बैटरी, 20 में तो काम ही हो जाता है, तो सेटअप जमाते हैं। फिर हमने खाना खाते खाते देखा अपने ही व्लॉग, क्योंकि आजकल व्लॉग पे व्यूज कम आ रहे हैं ना, आप लोग लाइक नहीं करते तो और लोगों के पास जाता नहीं है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो लाइक कर दिया करो। टाइम हो चुका था 4:20 और फिर हमने थोड़ा सा नकली जूस घटका, जिसमें मेरे को नहीं लगता जूस का कोई भी फायदा होता है, वो तो असली फल फ्रूट ही खाने चाहिए आदमी को। और उसके बाद हमने अपना घर जमाने पे आ गए, क्योंकि वीडियो बनानी थी तो पूरा जमाना पड़ता है, सबसे ज्यादा आलस का काम होता है जो मेरे लिए। टाइम हो गया है 5:20 और हमने वीडियो शूट कर ली है, बड़ा मजा आया मुझे शूट करके, और मैंने खाना खा के पानी भी नहीं पिया, इतनी जल्दी वीडियो शूट करने बैठ गया, हिचकियाँ आ रही हैं। बाकी क्या कहते हैं, अभी हम वीडियो एडिटर को भेजते हैं और जाते हैं थोड़े काम पे, शायद आज ही हम बर्थडे के लिए शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि बर्थडे आने वाला है ना अपना, जिसको पता है मेरा बर्थडे कब है कमेंट में बताओ। कपड़े वपड़े खरीदने पड़ेंगे यार, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह भी डालने पड़ती है ना, सेलिब्रेट करना पड़ता है, तो
अभी मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या क्या कर सकते हैं आज हम। बाकी जिम भी जाने, देखते हैं लेट नाइट जाएंगे या तो भगवान ना करे आज मिस हो। मैं नहीं चाहता मिस हो, मैं कोशिश करूंगा जाने की। मम्मी जी ने आज फिर हमसे बोला है कि रोड बन रहा है, देख के आते बन रहा है, पिछली बार नहीं बना था मम्मी। ठीक है दोस्तों, मुझे नींद आ रही है, एक तो मैं रात में पूरा सोया नहीं और जिम बहुत भबड़ भबड़ हो रहा है, तो आज जिम क्या कहते हैं शायद ही जा पाए हम, क्योंकि शॉपिंग करना भी जरूरी है, बर्थडे बहुत जल्दी आने वाला है, फिर बाकी सारी चीज़ें भी देखनी है। अभी देखते हैं रोड बना कि नहीं बना। हे भगवान, ओ माय गॉड, दोस्तों काम चल रहा है। इधर रास्ता खाली है कि नहीं कार जाने का? चलो कार तो निकल जाएगी, तो चलते शॉपिंग करेंगे बर्थडे की। तभी मैं देखता हूँ कि ट्रक घर के सामने खड़ा है, फिर उसको हटवाया हमने। दोस्तों गाड़ी अटक गई थी, तो अभी दूसरी गाड़ी आगे बढ़वाई, अब अपनी गाड़ी निकलेगी। रोड बनेगा तो देखते कितना परेशानी होगा। क्या मम्मी साथ करवा भी रहे वो? अच्छे लोग हैं बेचारे। चलो अब चलते हैं, मम्मी को पहले जिम छोड़ेंगे। मम्मी के मम्मी ने मेरी टी शर्ट उचका ली है। ऐसे होते दोस्तों, बचपन में रिश्तेदारों के दिए हुए पैसे उचकाती थी, अब टी शर्ट उचकाती है। दोस्तों हम लोग जा तो रहे थे क्या कहते हैं कपड़े सिलवाने पिपलानी साइड, पर दिक्कत ये हो गई कि एकदम बीच में ट्रैफिक दिखा, तो मेरा दिमाग में क्लिक हुआ कि अभी तो अभिव्यक्ति का टाइम है, गरबा कर रहे हैं लोग, तो काफी ज्यादा ट्रैफिक है, तो आज कैंसल हो गया, जिम भी छूट गया, यहाँ भी नहीं जा पाए। अरे यार क्या पगला आदमी हूँ भाई मैं, इतना नुकसान हो गया आज तो। अब डीबी मॉल जा रहा हूँ, जो थोड़े बहुत डीबी में मिलते हैं वो लेते हैं, फिर कल चलेंगे पिपलानी दिन में। और तभी मुझे याद आया कि सुबह से सिर्फ एक बाटी और एक समोसा खाया है मैंने, और मेरा पेट बहुत तेज आवाजें करने लग गया, तो मैं सोचा डीबी मॉल आए तो कुछ खा लेते हैं ना अंदर जाके। और जैसे ही हम डीबी मॉल के अंदर घुसते हैं, हमें मिलते हैं हमारे प्यारे प्यारे मित्र जिनके नाम हमने पूछे, और फिर यहाँ पे मैंने बोला कि मैं एक बुक बना रहा हूँ जिसमें अपने सारे दोस्तों के नाम लिखूंगा जो मुझे मिलते हैं डीबी मॉल में। और फिर हम एक होटल में आ गए खाना खाने, जिसमें मुझे काफी ज्यादा उम्मीद थी अच्छे खाने की, पर मेरा मूड खराब हो गया। मतलब ये चाट तो ठीक ठाक थी, पर जो पनीर की सब्जी और रोटी थी, मैं इस होटल में कभी नहीं आ रहा दोबारा। और फिर शुरू हुआ मेहनत का सिलसिला। जी हाँ दोस्तों, इतने कपड़े बदले मैंने कल की मैं पागल हो गया। और ये डीबी मॉल कितना सुंदर लग रहा था, ये पूरा नवरात्रि के हिसाब से डेकोरेट होता है। मेरा तो कभी कभी डीबी मॉल बस देखने आने का मन करता है, इतना बढ़िया सजाते हैं लोग। पर मैं घूम घूम के, मेरे पैर दुख रहे थे, पीठ दुख रही थी, कमर दुख रही थी, कंधे दुख रहे थे, क्योंकि जिम इतने दिन से अपन जा रहे हैं ना, तो अभी बॉडी थोड़ा रेस्ट भी मांगती है। और साथ में हम लोग लाए थे अपूर्वा को कपड़े सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, वो है ना लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, अपना है नहीं, अपन कॉमेडी वाले, मैं कुछ भी पहन के चल देता हूं। पर अपूर्वा को लाने के चक्कर में इतना घूमना पड़ा, क्योंकि उसको कुछ भी कपड़े पसंद ही नहीं आते आसानी से। फाइनली हमें शर्ट मिल गई और मैं सोचा चलो घर चलते हैं, तभी उसने बोला इसके नीचे ट्राउजर भी तो लेना पड़ेगा, चड्डा पहन के घूमेगा क्या? तो फिर हम गए फिर ट्राउजर लेने, और वहां पे मेरे को बैठने की जगह मिल गई। मैं तो वो अंदर आके चेंजिंग रूम में बैठ गया, पहले 2-4 मिनट मैंने सांस ली चैन की, फिर मैंने बोला चलो अब चेंज करके बाहर जाके अपने घर चल लेंगे। और फिर यहाँ पे फाइनली ट्राउजर भी मिल गया और फिर हम यहाँ से निकल गए। दोस्तों हमें इतने सारे भाई लोग मिले और ये मेरा पीछा नीचे से कर रहे थे, मेरे को डर लग रहा था मारने तो नहीं आ रहे सबके सब। पर जब उन्होंने बोला कि फोटो खींचने में, चलो ठीक है जिंदा जाऊंगा आज घर। इमरजेंसी एग्जिट में आए हम लोग। अच्छा चलो बढ़िया। टाइम हो रहा है 11:15, मैं घर तो काफी जल्दी आ गया था, फिर पापा मम्मी से बात करने लग गया था। और फिर मैं ऊपर आया तो मैं इतना ज्यादा थक गया था कि मैं लेट गया और मैंने काफी देर मोबाइल चला के वेस्ट कर लिया। और अभी मुझे एक वीडियो बनानी है, तो मैंने तो ये शर्ट भी चेंज कर ली थी फिर वापस पहनी। अभी मैं अपना वो वीडियो बनाता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं बिग बॉस का एपिसोड देख लेंगे शायद, क्योंकि देखना तो पड़ेगा कि क्या चल रहा है, और फिर उसके बाद सो जाएंगे। अभी टाइम 11:15 ऑलरेडी हो चुका है, आज जिम मिस हो गया है, तो अब कल जिम जाएंगे सुबह सुबह 9 बजे तक उठ के। अभी व्लॉग भी एडिट करना है, जिंदगी चल रही है, मेला चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, पर ठीक है मजा आ रहा है। जो भी है काम एटलीस्ट हो रहा है, इंसान की जिंदगी में काम होते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान का शरीर मशीन जैसा रहता है, जंग लग जाता है बैठे बैठे समझे। बाकी मेरी मशीन तो ओवरलोड होकर फट जाएगी एक दिन। तो बाकी अभी अपन वीडियो बनाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं बिग बॉस का एपिसोड। तो वीडियो भी हमने शूट कर ली है जो हमें करनी थी, अरे इसको कार्गो, और अब हम जाते हैं ये क्या कहते हैं क्या करना है अभी मुझे, वैसे अभी मुझे व्लॉग एडिट करना है, क्योंकि सुबह डाल के जिम जाना रहता है ना, सुबह इतना टाइम नहीं रहता कि आप डालो और फिर जिम जाओ, नहीं मतलब एडिट करो, तो अभी एडिट करके पटक दूंगा, सुबह डाल के सीधे जिम चल जाऊंगा। तो अभी जाते हैं और गुड नाइट अब मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं अभी कर देता हूं। अभी वैसे 11:30 बज रहा है पर मैं 12:30-1 बजे तक सोऊंगा, तो देखते हैं कल कितनी मजदूरी कर पाते हैं मजदूर। आज तो गलती से जिम छूट गया है, माफी दोस्तों, अगली बार से नहीं छूटेगा, पक्की बात है, मेरे साथ आज पोपट हो गया। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।